तो यहाँ से देखो, चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, अगर एक कंडक्टर है उसके में चार्ज फ्लो हो रहा है और चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये दिया हुआ अल्फा बीटा गामा, वेयर अल्फा बीटा गामा आर कांस्टेंट, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट, तो करंट की मिनिमम वैल्यू निकालो। तो यहाँ से तुम देखोगे अगर करंट की वैल्यू मिनिमम तुम निकालोगे यहाँ से बेसिकली, तो करंट इज इक्वल टू क्या होता, करंट इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो यहाँ से डी क्यू ओवर डी टी में चार्ज का एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेता हूँ, तो ये अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा की पावर टी, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा माइनस टू टाइम्स बीटा टी और प्लस थ्री टाइम्स गामा टी का स्क्वायर, दैट इज द करेंट। तो ये करेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है और ये क्या था, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आप को थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आता है तो आपको ये अच्छे से आइडिया लग रहा होगा कि करंट की वैल्यू मिनिमम ही होगी, क्योंकि ये पैराबोला होगा जो ऊपर की साइड खुलेगा कोऑर्डिनेट्स में कहीं पे, ठीक है ना। चलो मान लेते हैं कहीं पर भी, ऐसे रैंडम में ड्रा कर दिया हूँ वाई अपन है, तो ये जो पैराबोला है ये ऊपर की साइड खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो करंट की वैल्यू मिनिमम ही होगी, मैक्सिमम नहीं होगी, ठीक है। तो उस करंट की मिनिमम वैल्यू कब होगी, तो मिनिमम वैल्यू के लिए डी आई ओवर डी टी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो डी आई ओवर डी टी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए करंट की वैल्यू उस टी के लिए, करंट जो है वो मिनिमम होगी। तो इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस टू बीटा और प्लस सिक्स टाइम गामा टी, दैट इक्वल टू जीरो। तो सिक्स टाइम गामा टी इज इक्वल टू यहाँ से टू बीटा, तो यहाँ से टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो टू बीटा अपॉन सिक्स टाइम्स गामा, तो ये बीटा अपॉन थ्री गामा, दिस इज द टाइम व्हेन द करंट इज मिनिमम। तो बीटा अपॉन थ्री टाइम्स गामा वह टाइम है जब करंट की वैल्यू मिनिमम हुई है, और मिनिमम करंट कितना होगा, तो मिनिमम करंट की जो वैल्यू है वो इस वैल्यू इस टाइम को इसमें रख दो भाई, तो करंट विल बी मिनिमम इसमें रखोगे, तो अल्फा माइनस टू टाइम्स बीटा और टाइम की वैल्यू बीटा अपॉन थ्री टाइम्स गामा प्लस थ्री टाइम्स गामा और यहाँ से बीटा स्क्वायर अपॉन नाइन स्क्वायर गामा। ये तो थोड़ा सा इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो देखो ये क्या आता है, यहाँ से अल्फा और यहाँ से माइनस टू बीटा स्क्वायर अपॉन थ्री गामा और प्लस यहाँ से थ्री बीटा स्क्वायर अपॉन नाइन नाइन टाइम्स यहाँ गामा ए आएगा, तो ये थ्री टाइम्स कट जाएगा, तो अल्फा माइनस टू बीटा स्क्वायर अपॉन थ्री टाइम्स गामा और प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन थ्री टाइम्स गामा। तो कुल मिला के यहाँ इसको और अच्छे से करोगे तो अल्फा माइनस यहाँ से अल्फा माइनस ये थ्री टाइम्स बीटा स्क्वायर अपॉन थ्री गामा की, यहाँ से तुम देखोगे एक मिनट, यहाँ से टू है ना, तो ये थ्री है, तो टू है थ्री है, तो ये टू बाई थ्री और ये आ जाएगा थ्री बाई नाइन बीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से थ्री से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा हाँ इसको कैलकुलेट कर लो यहाँ से, तो तुम देखोगे अल्फा इज इक्वल टू ये आ जाएगा वन आ जाएगा ना, ये अल्फा इज इक्वल टू वन, तो बीटा स्क्वायर अपन थ्री गामा, ठीक है। तो बीटा स्क्वायर अपन थ्री गामा कौन सा भाई, देखो तो बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर थ्री टाइम्स गामा, तो बीटा स्क्वायर थ्री टाइम्स गामा जो है ये डी ऑप्शन सही है। बाय बाय, टेक केयर।